वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। पिछले कुछ समय से मेरठ कमिश्नरी पर बैठे हुए भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थकों ने आज जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर जिला प्रशासन को एक बार की परेशानी में डाल दिया। भाजपा सांसद महेश शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए समर्थकों ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी संग न्याय करने की मांग करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। डीएम दीपक मीणा ने कहा कि इस प्रकरण का मेरठ अथवा मेरठ मंडल से कुछ लेना देना नहीं है, बावजूद इसके ज्ञापन लेकर शासन को भेजा जा रहा है। दरअसल पिछले 3 अगस्त को नोएडा की ओमेक्स ग्रैंड सोसाइटी में भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी ने एक महिला से अभद्र व्यवहार किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि इससे पूर्व उसकी पत्नी अनु त्यागी व बच्चों को हिरासत में ले लिया गया था। इसके खिलाफ त्यागी समाज तभी से मेरठ कमिश्नरी पर धरनारत है। आज दोपहर एकाएक ही त्यागी समाज ने कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर दिया। देखिए इस बारे में मीडिया से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने यह कहा। नहीं, यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उन लोगों द्वारा यहाँ पे पहले भी ज्ञापन दिया गया और हमने वो भेजा गया और अभी ये ज्ञापन दिया जिनमें मांगे रखी गई हैं, जो मीडिया से हमने शेयर भी किए और इनको बताया भी गया कि मेरठ से जिस मैटर की ये बात कर रहे हैं तो मेरठ ज़िले से या मुझे लगता है मेरठ कमिश्नरेट से उसका कोई वास्ता नहीं है, जो इन्हें अवगत भी करवाया गया और वो नोएडा कमिश्नरेट से ताल्लुक़ रखता है। बाकी इन्होंने जो कुछ कागज़ दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के भेजने के लिए ज्ञापन की फॉर्म में, तो हम हमारे द्वारा इसको फॉर्मल प्रोसेस के थ्रू आगे अग्रसारित। नहीं देखिए, ऑलरेडी जैसा आप लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में एक धरना स्थल ऑलरेडी मार्क किया हुआ है और लगातार हमने वार्ता करके समझाया भी है और धरना एक तरीके से इसीलिए धरना स्थल चिन्हांकित है कि किसी को अपनी डिमांड करनी है कुछ है तो वो पीसफुली तरीके से आके वहाँ पर बैठ के अपनी बात रख सकते हैं। बीच में भी एक या दो बार वार्ता करके समझाया गया है पर इनकी कुछ मांगे हैं जिन पे वो अड़े हैं तो आज उन्होंने उसी के क्रम नहीं धरना देके धरना देने के लिए कोई भी आ चाहे आप कलेक्ट्रेट में धरना स्थल चिन्हांकित है कमिश्नरी में है तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी की आपकी भी कल को कोई मांगे तो आप यहाँ आके अपनी मांगों को रख के बैठ सकते हैं और हमें दे सकते हैं, इसीलिए धरना स्थल चिन्हांकित भी है। पर मुझे लगता है कि जब भी अगर ये सभी लोगों को पता है कि कोई भी पीसफुल तरीके के अलावा कोई भी अगर उसमें जन सामान्य को या जन सेवा को बाधित करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, पहले भी हुई है और अगर कोई जनमानस को किसी भी धरने की वजह से कोई भी कठिनाई होगी तो उसमें कार्रवाई होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।